पंजाब में देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। लंघे 2 दिन के अंदर पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस शब्द का बहुत इस्तेमाल होया। बीजेपी ते इल्जाम आम आदमी पार्टी ने लाया ते बीजेपी की शिकायत पंजाब दे डीजीपी नूं भी दे दित्ती। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि मान सरकार नूं डेगन दे लई बीजेपी ना सिर्फ पैसों का ऑफर दे रही है बल्कि डरा धमका भी रही है। हालांकि बीजेपी ने इन्हों सारे इल्जाम बेबुनियाद करार दिता है। ऑफर आया मैनू ना मैं गिदड़ धमके तो डरता। जेड़े भी दलाल मैनू कॉल कर रहे हैं, जेड़े दलाल मैनू डराना चाहते हैं, ये जिथे मर्जी जिन्ना मर्जी जोर लगा लें। और हमने डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ एज पर लाफ दी लैंड जो एक्शन लिया जाए। आम आदमी पार्टी दे एमएलएज ने बीजेपी ते खरीदो फिरोखत करन अते धमकाउण दे इल्जाम लाए। तां खजाना मंत्री उन्हां सारयां नूं लै के डीजीपी पंजाब कोल पहुंचे, मंग कीती कि दोषियां दे खिलाफ जल्द अते सख्त कार्रवाई कीती जाए। ऑनरेबल डीजीपी साहब को हमने जो हमारी कंप्लेंट थी उसकी कॉपी सबमिट की है और हमने डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ एज पर लॉ ऑफ द लैंड जो एक्शन लिया जाए। सो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा डीजीपी साहब ने किया है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। हमने जितने हमारे पास जो कंप्लेंट में लिखा है वो हमने सबमिट कर दिया। बनाई जाएगी इस मामले में डीजीपी, देखिए आगे जो डीजीपी साहब का काम है कि वो सिट बनाते हैं या क्या करते। पंजाब च बीजेपी ते मान सरकार डेगन दे इल्जाम ने ते सब रौले दे दरमियान पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जर्मनी दौरे ते ने। भगवंत मान ने उथों ही बीजेपी नूं चेतावनी दित्ती है। हुण क्योंकि इन्हां दे मूंह नूं खून लग्या होया, हुण इन्हां ने पंजाब वल नूं रुख कीता। साडे 6-7 एमएलएयां नाल संपर्क करन दी कोशिश कीती कि तुसीं इधर आ जाओ, तुहानूं उपर गल करा दिंदे आं, हाई कमांड नाल तुहानूं इन्ने पैसे दे दांगे, इन्ने दे दांगे। मैं कहना चाहना कि तुसी गलत फहमी चो, ये जिहड़े पंजाबी ने ये मिट्टी के वफादार ने। जदों वोटां पईआं तां दूजियां पार्टियां कोले बहुत सारा पैसा सी, पाणी वांगू पैसा पाया, बहुत सारा होर भी समान सी लालच देण नूं, पर लोग किसे लालच नहीं आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आम लोगों दित्तियां पोतां नूं चुण के विधानसभा च भेजिया, 92 एमएलए ने। सो इस करके तुसी ये कोशिश ना करो, इस गलत फहमी च ना रहो कि असीं पंजाब दे किसी एमएलए नूं खरीद लोंगे, क्योंकि विकदा उही हुंदा जिहड़ा मंडी च होवे। जिहड़ा मंडी च है नहीं उहदी कीमत की पा लोंगे। सो इह जिहड़ा तुहानूं सुभाअ पिया होया कि जे लोक नहीं जिताउंदे तां पैसे ना जित लो, उह पंजाब दे विच बुरी तरह फेल होऊगा। आम आदमी पार्टी दा इल्जाम है कि बीजेपी पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस चला रही है। विधायकां नूं 25 करोड़ रुपए च खरीदण दी ऑफर दित्ती है। मान सरकार डेगन दे लई बीजेपी ने कुल 1375 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस दे अलावा सीबीआई अते ईडी दा डर दिखा के भी पार्टी बदलन की धमकी दी जा रही है। जिन्हां विधायकों नूं ऑफर दी गई है उन्हां दे विच दिनेश चड्डा, रमन अरोड़ा, बुद्ध राम, कुलवंत पंडोरी, नरेंद्र कौर पराज, रजनीश दैया, रुपिंदर सिंह हैप्पी, शीतल अंगुराल, मनजीत सिंह बिलासपुर, लाभ सिंह उगोके अते बलजिंदर कौर ने। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो भी इल्जाम लाए ने उन्होंने सच साबित करने के लिए उन्होंने कोल सबूत ने। जलंधर वेस्ट तो विधायक शीतल अंगुराल ने तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलने का इल्जाम लाया। मेरे परिवार का नुकसान करने की, मेरे परिवार का निजी नुकसान करेंगे जे तुसी जे तुसी एविडेंस पुलिस नूं जां आम आदमी पार्टी नूं दित्ते ते तुहाडे परिवार दा निजी नुकसान करांगे। इसी ना मैं इन्हां दी गिद्दड़ धमकी तों डरदा। जेहड़े भी दलाल मैनूं कॉल कर रहे हैं, जेहड़े दलाल मैनूं डराना चाहंदे हैं, इह जिथे मर्जी जिन्ना मर्जी जोर लगा लैण। मैं सिद्धी कॉल दी रिकॉर्डिंग है, सिद्धी सब कुछ जेहड़े प्रूफ है ਉਹ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਰੈਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ
ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਕੀ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਬਾਬੂ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ बीजेपी च आ जाओ संगठन च आ जाओ 25 करोड़ रुपए देंगे बिल्कुल बिल्कुल मेरे को रिकॉर्डिंग है सब कुछ है जिस नंबर तो कॉल आई मेरे को नहीं असि देखो आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही है और इन्होंने बिल्कुल मेरे को मोबाइल नंबर है जी, फीड है मेरे को, मैं सारी रिकॉर्डिंग है वो सारी इत्थे इन्हां नूं जमा कराती है। बीजेपी इन्हां सारे इल्जामां नूं नकार चुकी है पर आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस दे तहत मान सरकार नूं डेगण दी साजिश नूं नाकाम कर बेपर्दा करन दा दम भर रही है जदों ऑपरेशन लोटस दिल्ली च असफल होया दिल्ली च फेल होया और उस तों बाद इन्हां ने सैकंड राज आम आदमी पार्टी का दूजा राज पंजाब राज जिदे विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच एक बहुत ही बड़े बहुमत दे नाल मैं समझना कि इतिहासिक बहुमत दे नाल हुण तक का सब तो बड़ा इतिहासिक बहुमत आम आदमी पार्टी नूं मिलिया उस दे विच भी इन्होंने यतन किया कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत साडे जिहड़े साथी मेरे नाल विधायक आए ने इन्हां नूं तोड़न का यतन किया अपने दलालों के राही अपने मैकेनिज्म दे राही अपनी मशीनरी दे राही कदे पैसे दी ऑफर कीती कदे ईडी दा डरा दिता कदे सीवी दा डराबा दिता कदे अपने गुंडियां राही डराया पर लेकिन ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो पंजाब च भी बुरी तरह फेल होया पंजाब च भी बुरी तरह नाकाम होया आम आदमी पार्टी के इन्होंने इल्जामों और बीजेपी के दावों के कि सच है तो वक्त ही दसेगा पर पंजाब च मान सरकार वालों बीजेपी से लाए गए इन्होंने इल्जामों ने सूबे की सियासत गरमा दी है कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच किन्ने घंटे सुखबीर तो एसआईटी ने पूछे इस सवाल ते की सन इस सवाल दस दें ब्रेक तो उस पार ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ 5.5 ਘੰਟੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ 2015 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ आम आदमी पार्टी की सरकार दे इन्ने स्कैंडल आई जाते हैं तो रोज चक्की जाने सोचते हैं कि नो समन करके बुला के असी अटेंशन डिवर्ट करांगे आ भी कह के आ भावें मैनू 100 बार मिला लो मैं आने तैयार है दोषी फड़े होने चाहिए है सरकार ना किसी नू बचाउण च ना किसी नू फसाउण च कानून अपना काम कर रहा ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 5.5 ਘੰਟੇ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਛਾੜ ਲਾਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। इस तों पहलां 6 सितंबर नूं आई जी ननिहाल सिंह दी अगवाई वाली एसआईटी ने सुखबीर तों बहबल कलां गोलीकांड मामले च सवाल जवाब कीते सन। उदों करीब 2.5 घंटे पुछगिछ होई सी अते हुण हफ्ते बाद कोटकपुरा मामले च वी करीब 5.5 घंटे सुखबीर बादल तों सवाल जवाब कीते गए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जो सुखबीर बादल एसआईटी अगे पेश होए होण। इस तों पहलां जून 2021 च वी सुखबीर बादल तों एसआईटी ने सवाल कीते सन। वार-वार भेजे जा रहे समना ते सुखबीर बादल पढ़ के भी नजर आए। एसआईटी ते सियासी दबाव होण दा खदशा जताया। हालांकि आम आदमी पार्टी दा दावा है कि कार्रवाई कानून मुताबिक हो रही है। जिहदा दिल साफ होए ना उहनूं किसी चीज़ दी डर नहीं हुंदी। मजीठिया साहब ते वी झूठा केस कीता किन्ना कीता। हाई कोर्ट ने झाड़ पाई इन्हां दे कि सारा अपना झूठा केस बनाया। झूठा झूठा ही रहना है। सो इस करके मैं तो एसआईटी नूं यही कह के आया सी। मैं कहा थोड़ा काम है पोलिटिकल दबाव च नहीं आना। तुसी इंसाफ करो क्योंकि जिन्हां ने जे पॉलिटिक्स खेडदे है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ 2015 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 'ਚ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਟਕਪੁਰਾ 'ਚ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ CM ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ CM ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 'ਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ IPS ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ ਪਹਿਲੀ SIT ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਮਈ 2019 'ਚ SIT ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ADGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟੀਮ ਬਣੀ। SIT 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ SSP ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ SIT ਅੱਗੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ DGP ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਜੂਨ 2021 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। 22 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ MLA ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵੀ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਖੂਬ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੂਬ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ।
मान सरकार दे विरोधी फौजा सिंह सरारी दी कथित ऑडियो नू आधार बना के मान सरकार ते वार कर रहे ने, पर लगता है कि सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान दी वापसी दा इंतजार कर रही है, क्योंकि मंत्रियों दे वल्लों लगातार भरोसा दवाया जा रहा है कि जांच हो रही है, पर अजे तक कोई ठोस कार्रवाई इस मसले च नहीं हुई। विरोधी लगातार सवाल चुक रहे ने। फौजा सिंह सरारी के घर तरसेम कपूर पहुँचते हैं और तरसेम कपूर और फौजा सिंह सरारी के विचकार जी एक मुलाकात है वह होंगी है। ये बह बह रात ने राजीनामे करा रहे हरे, ये तो हम ऑपरेशन कवर अप शुरू हो गया। भी ऑडियो नहीं आई, वो अंदर जी ऑडियो आ गई, वो कहते ऑडियो जो तोड़ मरोड़ है, इन चेक की करना। जी ऑडियो आई है जांच चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, चाहे अपना होवे बगाना होवे, पहला उन छड़े जे जे सच्चाई होई। मान सरकार दे मंत्री फौजा सिंह सरारी ते विरोधियों ते तिखे वार जारी ने। कथित ऑडियो तो बाद हुण तरसेम सिंह नाल होई सरारी दी गुपचुप मुलाकात ने विरोधियों दे वार होर भी तेज कर दिते ने। इल्जाम ते इत्थों तक लग रहे ने कि ईमानदारी दी दुहाइयां देण वाली आप ने ऑपरेशन कवर अप शुरू कर लिया। हालांकि इल्जामां विचाले आप ने यह दावा जरूर कीता है कि जो इल्जामां च सच्चाई है तां एक्शन भी जरूर होवेगा। जिहड़ी ऑडियो दुनिया ने सुन ली, सामने आ गई, ओदे वास्ते ए बह बह रात ने राजीनामे करा रहे हरे, इन्होंने ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, मतलब कार्रवाई करनी कोई नहीं। ए डरदे है कि जे सरारी साहब ते एक्शन ले लिया, इन्हां नूं ए डर है कि सरारी साहब कई साडियां परतां खोलणगे। ए तां हुण ऑपरेशन कवर अप शुरू हो गया। पहलां वी तुसीं देखिया होणा है, मैं उदाहरण दे तौर ते तुहानूं इक एग्जांपल देना चाहुणा है। तुसीं देखिया किस तरह सिंगला साहब नूं फड़िया, किस तरह कहानी रची गई, लोगों ने बड़ा वाहवा की कि पहली हरी घरे बुला के किसी नूं गिरफ्तारी कराता, और बड़ा वड्डा यह एक कदम सीगा करप्शन के खिलाफ। अज तक कोई भी इस तरीके का हजे तक कोई प्रूफ साबित नहीं होया। ऑडियो ना ऑडियो आई, ना वीडियो आई, ना कोई चिट्ठी आई, ना पत्र आई, हुण ऑडियो भी आ गया। जिहदी ऑडियो नहीं आई वो अंदर, जिहदी ऑडियो आ गई वो कहिंदे ऑडियो च तोड़ मरोड़ है, इहनूं चैक करना। भी जिहड़ी ऑडियो आई उहदी जांच चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, चाहे अपना होवे बगाना होवे, पहला उहनूं छड्डे जे जे सच्चाई होई, सच्चाई आजूगी तां डेफिनेटली एक्शन होऊगा। ऑपरेशन कवर अप दे इल्जाम दरअसल विरोधी उस मुलाकात तो बाद लगा रहे ने जो मंगलवार नूं बड़े ही गुपचुप तरीके नाल सरारी दी सरकारी रिहायश हुई। फौजा सिंह सरारी के घर तरसेम कपूर पहुँचते हैं और तरसेम कपूर और फौजा सिंह सरारी के विचकार जी एक मुलाकात है वह होंगी है। तो जिस गड्डी के जरिए फौजा सिंह सरारी के घर तरसेम कपूर पहुँचे से उस गड्डी का नंबर से PV77200। तरसेम लाल कपूर उही शख्स है जिस नाल फौजा सिंह सरारी दी कथित ऑडियो वायरल हुई है अते मंत्री ते कॉन्ट्रैक्टर्स तो पैसे इकट्ठे करन दी व्यंत बनाउन दे इल्जाम लगे ने। मेरी गल हुई सी ओ कहंदे भी इन दे विच जिहड़ी TFSC है उहदा भी हत्थ है, उहनूं हिस्सा जांदा है। मैं कहा मैनूं इह दस भी असीं जे फड़ाउणा होवे माल ते इह ना होवे हां ट्रक ड्राइवर या बेचारा ट्रक दा मालक फस जे ओ निकल जान, कहिंदा नहीं जे फड़ाना है तां जदों अद्धे अद्धे लोड हो जाणगे ओदो जाके फड़ना है। अच्छा PR ओदी कापी मंगनी जाके लिख लेना सी ना, मंगा दे वीओ आ ए तुसी लोड हो रहा है जो किथे आप ही करिए फिर। मैं वो मांग लेना डिटेल हो भी उनका मतलब की हो मांग लो तो सिटी मार्केट कमेटी वाला वो तो वैसे ना संबंध नहीं है क्योंकि वो चीज अड्डा है ये अड्डा है अच्छा क्या कुछ ये बेच भी पाएगा ना तो अपना सौदा सौदा करा दू करा था सौदा तो उन्होंने आप ही कर लेना जी जे आप सौदा करना है तो उन्होंने उस वे कह देना है वो मैं आइडिया ले लेना फिर शर्मे तो जो आप फड़ लें छड़निया हो देंगे
ਉਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਪਚੁਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਚੌਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਚ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੀਰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ जो भी मतभेद रहे अग्निपथ को लेके बट एक बार ही केंद्र सरकार ने लागू कर दी है हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे अग्निवीर स्कीम दा सी पहला भी विरोध कीता असी आज भी विरोध कर रहे हैं केंद्र दी अग्निपथ योजना नु लेके आम आदमी पार्टी शशो पंच नजर आ रही है क्योंकि लीडरां दे बयान ही मेल नहीं खा रहे विरोध जारी रखना है जां सहयोग करना है इस ते शायद लीडर दुचित्ती चुने क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा च केंद्र दी अग्निपथ योजना दे खिलाफ मता लिया चुकी है खैर पंजाब च अचानक अग्निपथ योजना दा मुद्दा क्यों गर्मा गया है ता इस दी वजह बनी है आर्मी दी एक चिट्ठी जो पंजाब सरकार नु लिखी गई है इल्जाम लगे ने सहयोग ना देन दे पहला तुहानू चिट्ठी बारे विस्तार नाल दसदे आ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਲੰਧਰ ਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ आर्मी की जो रिक्रूटमेंट हो रही है अग्निपथ की उसमें किसी भी तरीके का सहयोग नहीं दे रही बार बार आर्मी के जनरल साहब के लिखने के बावजूद ना तो चीफ सेक्रेटरी किसी फ़ोन कॉल का जवाब दे रहे हैं ना ही टेक्स्ट मैसेज का जिसके चलते जनरल साहब शरद विक्रम जी ये लिखने को मजबूर हो गए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग नहीं दिया तो हम इस भर्ती की प्रक्रिया को पंजाब के लिए बंद करेंगे और किसी और स्टेट में ले जाएंगे क्योंकि पंजाब सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन चाहे भर्ती जलंधर में हो गुरदासपुर में हो कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा जे कोई इदा की गल है हुणे सीएम साहब ने ट्वीट भी किया बड़े सख्त शब्दों च उन्होंने कहा सारे डीसी नूं आदेश किए है भी कितों भी लापरवाही इदा की कोई सामने आई तो सख्त जिहड़ी कार्रवाई है वो कीती जाएगी ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਦੁਜਿੱਤੀ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ जो भी मतभेद रहे अग्निपथ को लेके बट एक बार ही केंद्र सरकार ने लागू कर दी है हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे तो पंजाब का स्पेसिफिक क्या है इश्यू मैं एक बार ही पता करूंगा बट हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे इसके स्कीम में भी सहयोग करेंगे आर्मी का भी सहयोग करेंगे अग्निवीर स्कीम दा सी पहला भी विरोध कीता असी आज भी विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना के तहत पंजाब के वक्त-वक्त जिलों च आर्मी वालों भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है
हुण तुहानू दसदे आ कि अग्निपथ योजना आखर है की। दरअसल अग्निपथ योजना आर्मी च भर्ती की प्रक्रिया है जो हाल ही दे विच केंद्र वल्लों जारी की गई है। इस योजना के तहत फौज दे विच सिर्फ 4 साल दे लई ही नौजवानों की भर्ती होगी। भर्ती दे लई घट्टो घट उम्र 17.5 साल रखी गई है। अते सेवा मुक्ति तो बाद अग्निवीरां नूं एक मुश्त राशि दिती जाएगी। केंद्र वल्लों जदों इस योजना का ऐलान होया सी उदों नौजवानों के नाल नाल आम आदमी पार्टी ने भी इसका डट के विरोध किया सी। इत्थों तक कि पंजाब विधानसभा च आप सरकार इस योजना के खिलाफ मता भी लैके आई सी, पर हुण जदों इस योजना के तहत भर्ती शुरू हो गई है तो आप ने यू टर्न लैंदियां केंद्र नूं सहयोग देण दा भरोसा दिता है, पर आप दे कुछ लीडरां ने अजे भी विरोध वाली राह ही फड़ी हुई है। पंजाब मेल दे अज दे लई इन्ने ही, मैनूं दिओ इजाजत। प्रदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी सांझा।